This RAS system is nothing but a renin angiotensinogen aldosterone system. देखिए ये system किस लिए है, ये system बना है blood pressure की regulation के लिए, बहुत important है. देखिए बहुत बार question पूछा गया है, अनगिनत बार question पूछा गया और पूछा जाएगा, क्योंकि ये इस chapter का सबसे important topic है. जरा ध्यान दीजिएगा, renin angiotensinogen aldosterone system में हो क्या रहा है. हम एक पर्टिकुलर फंडामेंटल थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं. अगर आप वो समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आपको यहां दिखाई पड़ रही है वही समझ लें तो भी मोर देन इनफ है. चला जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा. देखिए एक कॉमन भाषा के अंदर आपने ये सुना होगा कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का रेज होती है उनको सॉल्ट खाने के लिए मना कर दिया जाता है. तो सॉल्ट है क्या, सोडियम और क्लोराइड, यही होता है. अब देखो इसका मतलब है दो आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक सोडियम और एक क्लोराइड, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिनमें से मेन आयन सोडियम माना गया. अब सोडियम क्यों माना गया जरा उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एक हार्मोन था जिसका नाम एल्डोस्टिरोन था, वो एल्डोस्टिरोन सोडियम की बॉडी में रीअब्सॉर्प्शन करवाने का रोल प्ले करता है. मीन बाय ये हुआ कि अगर आपके पास फिल्ट्रेट में सोडियम जो है वो अवेलेबल है तो उस सोडियम को पूरा का पूरा बॉडी के अंदर खींच कर रख लेता है. अगर वो रख लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आप सॉल्ट की ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, सॉल्ट अगर आप ज्यादा खाते हैं तो सोडियम की मात्रा भी उसके अंदर ज्यादा है, तो फिल्ट्रेट में सोडियम की क्वांटिटी भी ज्यादा जाएगी और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगी. और अगर सोडियम बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा अगर आपका मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाएगी. इसीलिए सॉल्ट को खाने के लिए उन लोगों को मना कर दिया जाता है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहती है. अब जिनका ब्लड प्रेशर लो रह रही है तो उनको क्या करेंगे जी, उल्टा, ठीक है जी, उनको आप ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस या पर्टिकुलर डाइट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो. सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोडियम भी ज्यादा होगी, एंड दैट पर्टिकुलर सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इन योर बॉडी. सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब जरा फिर से ध्यान दीजिए सेकंड वर्ड पे मैं क्या ध्यान दे रहा हूं. देखिए कैसे पता लगेगा कि हाँ जी भैया ऐसा है कि सोडियम की क्वांटिटी जो ब्लड के अंदर ज्यादा हो गई है, तो उसको सेंस करने का काम मैकुला डेंसा सेल करते हैं. तो मैकुला डेंसा सेल को कि सोडियम जो हो वो एवरेज से ज्यादा हो गई है बॉडी के अंदर या एवरेज से कम हो गई है बॉडी के अंदर, इट इज बीइंग सेंस्ड बाय मैकुला डेंसा सेल. अब देखिए जैसे ही मैकुला डेंसा सेल को, अब हम एक पर्टिकुलर केस पढ़ रहे हैं, वो केस ये है कि मैकुला डेंसा सेल ने ये सेंस कर लिया है कि बॉडी के अंदर जो है वो सोडियम की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है. तो सोडियम की क्वांटिटी अगर कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो गई है. 110 से लेकर 170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो आपके पास ब्लड प्रेशर उतना पहुंच चुका है. तो हमें मालूम है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, अब कितनी हो गई है इस टाइम, 110 बाय 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गई है. ब्लड प्रेशर फॉल हो गई है, हाइपोटेंशन का केस है, ठीक है जी. तो हाइपोटेंशन हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाने के लिए. अब देखो पहला चीज तो काम किसने किया, मैकुला डेंसा सेल ने उस चीज को सेंस किया कि सोडियम की क्वांटिटी बॉडी में लोअर हो गई है, ब्लड के अंदर कम हो गई है. तो वही मैकुला डेंसा सेल जब इस चीज को सेंस कर लेते हैं तो सिग्नल भेजेंगे. अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिग्नल भेजेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को कि कहीं ना कहीं बॉडी का जो आपके पास ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो चुकी है, और वही मैकुला डेंसा सेल आपके पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेट करवाएंगे, और एक्टिवेट करवाने के बाद में एक हार्मोन रिलीज करवाएंगे जिसका नाम रेनिन है. कई बुक्स के अंदर जैसा यहां पर भी लिखा हुआ है, that is renin is a proteolytic enzyme, it is a wrong thing, it is not an enzyme, it is an hormone. ध्यान दीजिएगा, renin एक hormone है और renin एक enzyme है. इसके बारे में हम पहले digestive system के अंदर पढ़ चुके हैं तो भूलिएगा मत. देखिए अब हुआ क्या, मैकुला डेंसा सेल ने सेंस कर लिया सोडियम लोअर हो गई है, मीन बाय हाइपोटेंशन का केस है. सोडियम जो है उतनी ज्यादा मात्रा के अंदर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है जितनी अवेलेबल होनी चाहिए. सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. अब देखो क्या हुआ, अब हुआ ये कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ने रेनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट किया. ये रेनिन नाम का हार्मोन करता गया है, जरा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है,
लीवर में एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है जिसका नाम एंजियोटेंसिनोजन है या हाइपरटेंसिन है। इस पर्टिकुलर प्रोटीन को एक दूसरी प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है जिसका नाम एंजियोटेंसिन 1 है। तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में विद द हेल्प ऑफ एन पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज रेनिन दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द सेल्स ऑफ द जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस दैट इज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर हो गया जी, एंजियोटेंसिन 1 बन गई। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये अभी वर्क नहीं कर सकती है, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एक और पर्टिकुलर आपके पास प्रोटीन के अंदर जिसका नाम एंजियोटेंसिन 2 है। लेकिन इस एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने के लिए लंग का एक एक्शन आती है, तो लंग से आपके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज होती है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसका हम बहुत कॉमन भाषा के अंदर एब्रीविएशन लिखते हैं, दैट इज एस, ए सी ई। तो सिंपल सी बात है, एंजियोटेंसिन 1 के साथ एस नाम का पर्टिकुलर ये एंजाइम आपके पास एक्शन करेगा और एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए, जब 2 बन गया ना, तो इसका मतलब है अब ब्लड प्रेशर को रेज करने की एक्टिविटी आपके पास होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कहीं ना कहीं हर चीज को आपको कर दे सकता था, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। देखिए कैसे, एंजियोटेंसिन 2 आपके पास स्टिमुलेट करने वाला है ADH की एक्टिविटी को। किसकी एक्टिविटी को आपके पास में स्टिमुलेट करने वाला है? ADH की एक्टिविटी को। तो जैसे ही ADH की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वैसे ही आपके पास जो DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहां से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होना शुरू है। अब वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो। तो आप बोलेंगे सर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होने से ब्लड प्रेशर कैसे रेज होगा? जी ऐसे रेज होगा, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसमें 90-99% आपके पास वाटर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा अगर होना शुरू हो जाएगी, तो आपके पास कहीं ना कहीं ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो प्रेशर रेज होना शुरू हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो गई, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होती है वहां पर थर्स्ट सेंटर्स होते हैं, तो उसको भी एक्टिवेट करवा देगा, ताकि आपको वो मजबूर करे कि पानी ज्यादा पियो भाई, क्योंकि पानी के अंदर आपको सोडियम मिलेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड 0.9% आपके पास उसके अंदर हमेशा अवेलेबल होती है। तो पानी अगर ज्यादा पियोगे तो सोडियम भी बॉडी के अंदर ज्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएगा। जब पानी डीसीटी और सीटी से खींचा गया ADH के थ्रू, तो बॉडी के अंदर जब पानी है तो पानी के साथ में सोडियम और क्लोराइड को भी खींच लिया जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सोडियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ने की कोशिश होगी और वो करवाएगा एंजियोटेंसिन 2। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा रोल वो चीज नहीं हो पा रही है जैसा होना चाहिए। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक इंपॉर्टेंट एक्शन कर देता है। वो एक्शन क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाता है। ये एड्रीनल ग्लैंड का एक हिस्सा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा नाम की लेयर को एड्रीनल कॉर्टेक्स की स्टिमुलेट करवाने का काम एंजियोटेंसिन 2 करती है, और वो आपके पास लेयर मिनरेलो कॉर्टिकोइड सिक्रीट करवाती है, जिसमें से एक मिनरेलो कॉर्टिकोइड का नाम है एल्डोस्टेरोन, एंड दिस एल्डोस्टेरोन इज बेसिकली हेल्पिंग इन अ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ अ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ पोटाशियम फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ध्यान दीजिए, जितना भी आपके पास फिल्ट्रेट डीसीटी तक पहुंचा और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुंचा, तो अगर आपको याद हो मैंने कल भी एक लेक्चर के अंदर ये चीज बताई थी, जो टर्मिनल पोर्शन आपके पास लूप ऑफ हेनले का आता है वहीं पर आपके पास में शुरुआत हो जाती है एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन की। तो जब तक आपके पास डीसीटी तक आपके पास वो पर्टिकुलर फिल्ट्रेट पहुंचती है, तब तक एल्डोस्टेरोन अपना पूरा एक्शन कर चुका होता है। एक्शन क्या था? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द सोडियम करना। तो सोडियम का बॉडी से लॉस नहीं होगा, सोडियम का बॉडी से लॉस नहीं होगा, ADH वाटर को बॉडी के अंदर वापस ले आएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका रेज हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर कितना रेज होना चाहिए यह डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट और पार्ट है जिसका नाम है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ANF के नाम से उसको जानते हैं।
अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा अगर ये आपके पास सारे एक्शन रेज करवा देते हैं, तो एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर जो आपके पास एट्रियल वॉल से रिलीज होती है, वो कहीं ना कहीं रेनिन के एक्शन को भी स्टॉप करवा देगी, एडीएच के एक्शन को भी स्टॉप करवा देगी, एल्डोस्टेरोन के एक्शन को भी स्टॉप करवा देगी, एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को भी स्टॉप करवा देगी। तो सबके एक्शन जो है वो स्टॉप हो गए, इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, और वो एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। इस तरह से आपके पास ब्लड प्रेशर की आपको रेगुलेशन होती हुई नजर आएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो भूलिएगा मत।